अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है खासतौर पे उन खवातीन के अंदर जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं कि जब उनके पीरियड्स की डेट आने वाली होती है, जब उनकी माहवारी अगली आने वाली होती है, तो उनको ये समझ नहीं आती है कि क्या हमें जो साइंस फील हो रहे हैं, जो हमें अलामत फील हो रही हैं, जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, ये हमारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या ये हमारे जो है वो पीएमएस के सिम्टम्स हैं। तो इसी बात का जवाब मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी। मैं आपको ऐसे चार साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी जो डिफरेंट होते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, और डिफरेंट होते हैं जब आपको पीएमएस हो रहा होता है और आपकी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो स्टार्ट इस चीज से करते हैं कि बहुत फाइन लाइन होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है ये मालूम करना कि ये आपको जो है वो पीएमएस हो रहा है, आपको अगली महामारी से पहले जो फीलिंग होती है ये वो है, या ये प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पीएमएस नहीं है, ये मेरी प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और वो पॉइंट है आपके क्रैम्प्स का, आपकी पेन का। जो पीरियड्स की पेन होती है वो बहुत डल किस्म की होती है, ठीक है, वो शार्प पेन नहीं होती है, डल किस्म की पेन होती है और वो होती है नीचे की तरफ, लाइक ड्रैगिंग फीलिंग होती है आपको नीचे की तरफ, ठीक है। जो प्रेगनेंसी की पेन होती है, अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है तो उसका अर्ली जो पेन होती है, जो क्रैम्पिंग होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो होती है साइड टू साइड, ठीक है। तो आपको लाइक इस तरह स्ट्रेचिंग पेन होती है, आपको जैसे खिंचाव होता है उस तरह की पेन आपको आएगी और ये साइड टू साइड होगी, ठीक है, ये नीचे की तरफ नहीं होगी। तो ये एक थोड़ा सा क्रैम्पिंग का डिफरेंस होता है पीएमएस में और प्रेगनेंसी में। दूसरा आ जाता है पोजीशन ऑफ द सर्विक्स। अब सर्विक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बच्चेदानी का मुंह होता है, ठीक है, ये आपने फील करना है। खासतौर पे वो खवातीन जो टैम्पोन इस्तेमाल करती हैं उनको ये आसानी फील हो जाता है। सर्विक्स जो है आप फील कर सकते हैं, खासतौर पे जब आप नहाने जाएं उस टाइम पे आप इसको फील कर सकते हैं अपने अंदर। जो सर्विक्स का मुंह होता है ये ओव्यूलेशन के बाद जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, हाई हो जाता है और सॉफ्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है तो ये हाई होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा और ये सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली है तो ये आपको नीचे की तरफ फील होगा, ये नीचे आ जाता है और ये हार्ड हो जाता है, ज्यादा सख्त हो जाता है। अब आपने टेक्सचर कैसे मालूम करना है कि इसको कैसे फील करेंगे तो हमें पता लगेगा ये सॉफ्ट है या ये हार्ड है। अगर आप अपने कानों का ये वाला पार्ट फील करें तो ये सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का फील होता है दैट मींस आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ठहर गई है। लेकिन अगर आप ये टिप ऑफ द नोज की कार्टिलेज अगर फील करें, ये इस तरह का आपको हार्ड फील होता है, तो दैट मींस आपकी अगली माहवारी आने लगी है। ये सर्विक्स आपने फील करना है आपकी अगली माहवारी से 3 या 4 दिन पहले। थर्ड पॉइंट आ जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी ठहरी है कि नहीं ठहरी है। अगेन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर एक को नहीं होती है, कुछ खवातीन को ये हो जाती है। ये ब्लीड जो होती है ये डार्क रेड कलर की होती है, ये स्पॉटिंग की तरह होती है, ये आपको 2 घंटे तक रह सकती है और मैक्सिमम 2 दिन तक रहती है। लेकिन अगर ये आप मुझे ये भी पता है कि पीएमएस के दौरान भी कुछ खवातीन को स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है और फिर उनकी माहवारी आ जाती है, तो यही डिफरेंस होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो 2 घंटे से 2 दिन तक मैक्सिमम रहती है, लेकिन जो पीरियड्स हैं वो फिर जो डार्क रेड कलर का आपका स्पॉट आता है या रस्ट कलर का स्पॉट आता है वो फिर प्रॉपर रेड कलर का हो जाता है और प्रॉपर आपको जो है वो फ्लो शुरू हो जाती है माहवारी की। चौथा और लास्ट पॉइंट आ जाता है आपकी पेन का, ठीक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो या तो आपका एग फर्टिलाइज हो गया है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो आपको एक साइड की पेन होती है जो पिन प्रिक पेन जिसको हम कहते हैं, ऐसे जैसे किसी ने स्विच चबो दी है, ठीक है, तो ये स्टैबिंग पेन होती है इन नेचर, ठीक है, ये स्टैबिंग की तरह आपको फील होती है। लेकिन अगर आपको माहवारी आने लगी है तो ये एक साइड पे फील नहीं होती है, या आपको ऑल राउंड फील होती है, अपने लोअर एब्डोमेन में फील होती है, आपको बैक की तरफ फील होती है, ठीक है। तो ये दोनों पेन का डिफरेंस होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है तो एक साइड की पेन होगी, अगर नहीं ठहरी है, आपको माहवारी आने लगी है, तो आपको ओवरऑल नीचे की तरफ पेन होगी और बैक के अंदर पेन होगी। अगर आपको ये सारे साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर बहुत हल्की सी दूसरी लाइन आ रही है तो बेस्ट जरिया होता है कि आप जाके अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद थी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।